उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़, 116 से अधिक लोगों की मौत, 100 से ज्यादा श्रद्धालु घायल, पीएम मोदी ने जताया दुख। हाथरस हादसे पर गुस्साए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद, बोले आयोजनकर्ताओं पर हो सख्त कार्रवाई। लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब, कहा दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में जनता ने हमें फिर से चुना। पीएम के संबोधन के बीच विपक्ष करता रहा शोर शराबा। लोकसभा में दिए भाषण के हटाए गए शब्द तो भड़के राहुल गांधी, स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बताए नियम। हाथरस के पुलराई गांव में कल मंगलवार का दिन अमंगलकारी रहा। भोले बाबा नामक शख्स के सत्संग में भगदड़ मच गई और हादसे में अभी तक 116 लोगों की मौत हो गई। ये भगदड़ कल दोपहर करीब 1:30 बजे मची थी। सत्संग कराने वाला बाबा, जो खुद को नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा कहता है, वो अंडरग्राउंड है, उसका कुछ पता नहीं चला है। हालांकि देर रात यूपी पुलिस ने भोले बाबा की तलाश में मैनपुरी जिले के रामकुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट में सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं आईजी शलभ माथुर ने कहा कि सत्संग आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। उधर हाथरस की इस घटना को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। मुख्यमंत्री घटनास्थल पर भेजे गए तीनों मंत्रियों, मुख्य सचिव और डीजीपी से लगातार संपर्क बनाए रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटना का दोषी कोई भी हो, वो बचेगा नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को हुए सत्संग में करीब 1 से 1.5 लाख लोग शामिल हुए थे और करीब 50 से 60 बीघा खेत में पांडाल लगाया गया था। सत्संग खत्म होने के बाद लोग अचानक बाहर की ओर निकले, लेकिन एग्जिट गेट बेहद सकरा था और रास्ते में नाला था, आसपास कीचड़। इसी दौरान भगदड़ मची और लोग एक के ऊपर एक नाले में गिर गए और वहां करीब 1.5-2 घंटे तक दबे रहे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि खेत में सत्संग का पांडाल लगा हुआ था। सत्संग का समापन होने के बाद गुरुजी की कार निकली, उनके चरण छूने के लिए लोग दौड़ पड़े और भगदड़ मच गई और कई लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़
को शामिल करते हुए एक टीम बनाकर के उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के तीन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृहमंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। देखिए, यह समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में हुई मौत पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि मैं घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे अभी एक दुखद खबर मिली है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई है उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। पीएम मोदी ने जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हाथरस हादसे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव बोले, कहा कि राज्य सरकार की गलती से ये मौतें हुई हैं। बड़ी संख्या में भक्तों के जुटने की अनुमति आखिर क्यों दी गई? अखिलेश ने पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल उठाए हैं। हाथरस मामले पर अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार की गलती की वजह से इतनी संख्या में मौतें हुई हैं। बड़ी संख्या में भक्तों के जुटने की आखिर अनुमति क्यों दी गई? हाथरस हादसे में अभी तक 116 लोगों की मौत हो गई, न जाने कितनों ने अपनों को खो दिया। ये भगदड़ कल दोपहर करीब 1:30 बजे मची थी और सत्संग कराने वाला बाबा जो खुद को नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा कहता है वो अंडरग्राउंड है, उसका कुछ पता नहीं चला। वहीं इस हादसे में किसी की मां का पता नहीं चल पाया है तो किसी का बच्चा नहीं मिला। सुनिए पीड़ित परिजनों की आपबीती।
हम लोगों को तब पता लगा जब जैसे बहुत से लोग अपनी गाड़ियों पर पहुंच चुके होते हैं और ये काफी टाइम तक नहीं पहुंचे हुए होते हैं, तो ढूंढने तलाशने के बाद में तो फिर वहां पता लगता है कि बहुत से लोगों की डेथ हो गई है। तो हमने सोचा शायद कहीं ऐसा तो नहीं है ये, और वहां सुनने में भी आ रहा था कि बहुत से लोग गंभीर भी हैं, तो हमने मेडिकल वगैरह में भी देखा, नहीं पता लगा। फिर उस पर लाइव देख रहे थे, उस पर टोल फ्री नंबर आ रहे थे जिस पर पता करा गया, तब जाके इसका पता लगा। माँ का अभी तक कोई पता नहीं है जी। नगला खेड़गारी थाना बरला अलीगढ़ जी। इसके पिताजी घर पर हैं, स्टडी करते हैं। हाँ, फिर से उनको सामने आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब तो ये है, एक बार तो आना चाहिए क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा दुख में है। पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से है, अभी बहुत से बॉडियां ऐसी हैं जो अपने परिजनों तक नहीं मिल पा रही हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं भी हूँ। आगरा के पास गांव है रेनकला, वहाँ से आए। मेरी पत्नी, आपकी वाइफ? हाँ। कहाँ है वो? ले गए इसमें। डेथ हो गई? हाँ डेथ हो गई। किन के साथ आई थी? गांव की एक हमारी चाची आई और एक बहन जी आई हमारी गांव की, हमारी बेटी हुआ आई जब तो सुरक्षित पहुंच गई घर। नहीं वो जो तीनों खत्म है गई जी, बिटिया मेरी सुरक्षित पहुंच गई घर। बस तीन कौन कौन खत्म हो गई? आपकी वाइफ? हाँ, और एक चाची लगती पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगती, वो भी खत्म हो गई। तीन महिलाएं खत्म हो गई। मैंने मने करी सवेरे, मैंने मत जाए तू, मैंने कहा दो दिन पहले गई ही मैंने कहे, और तू मैंने के 10-15 दिन पैसा महीना खान पी के चली जाओ, कर सुन नहीं मानी। बेटा मुंह पर झज्जरा पर तुम कहाँ कहाँ गर्व करते जान दो, कहीं और चुप पर गो नहीं आज आवन नहीं दी तो भाई मान जाती, मतलब हूँ ज्यादा लागत करते तो मान जाती ऐसी भी नहीं बुकती पर बेटे की वजह से मानेगा हूँ। मैंने कहा बुकर रहो जाएगी तो मैं जान दो, कोई बाबा बाबा नहीं है, ये तो सब ढोंगी है। अगर बाबा भगवान होते तो आज ये हादसा नहीं ऐसा हो, तो इतना संगड़ो और भगवान ही होते तो पीछे मुड़कर नहीं दे सकते कि काहे रहो मैं पीछे, मैं आगे आगे जा रहे करके और पीठ पीछे, मतलब जनता कुचिंत चली आ रही है, मात वही चली आ रही है। ऐसे भगवान हो तो बिना कहा है यादी मांगी में साथ देते भी सब ढोंगी बाबा है कशीनाथ बाबा के पास। बाबा आप भी कभी गए उनके समाज में? मैं तो वही पास में ही आए गाँव के में, तभी एक बार गयो, बस फिर मैं ना गयो 8 साल पहले ही। आप नहीं मानते थे बाबा? मैं तो मतलब यही जाई थे कहते तू ना मानते, मैंने जा मैंने कहा हूँ तो मैंने कहा भगवान को भजनों पे घर ही कर लेती, मैंने कहा मैं तू ना मान लेते जा, मैंने कहा अब तो थे आया दो दो करूँ तो क्या फायदा है, लड़ाई दंगे होंगे। आपकी वाइफ का नाम क्या है? गुड़िया देवी। कितनी उम्र है? 50 साल की उम्र है बाबा। हाथरस में दर्दनाक हादसे को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने दुख जताया, उन्होंने कहा कि आयोजनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, तो जो आयोजक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और भीड़ के प्रबंधन का आपको ज्ञान नहीं होता है तो ये अक्षम्य अपराध है। उन्हीं लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति होनी चाहिए जो भीड़ का प्रबंधन कर सकें। अगर इस तरह की घटना घटती है तो आयोजकों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भीड़ आ जाती है लगातार, नहीं नहीं आपको पहले तय करना पड़ेगा कि कितने लोग आएंगे, उतने लोगों की ही आप अनुमति रखिए, बाकी मत रखिए और इस तरह का प्रचार मत करिए, लिमिटेड व्यवस्था बनाइए। ये जो आप कर देते हैं असंख्य लोगों को बुला लेते हैं और व्यवस्था आपके पास कुछ नहीं होती है, ऐसी 2-3-4 घटनाएं और भी पहले हो चुकी हैं, तो इन सब बारे में सतर्क रहना चाहिए। जैसे अपने चार धाम हमारे उत्तराखंड के, उनमें लोग ज्यादा आने लग गए, ये हुआ कि रजिस्ट्रेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन भी फेल होने लगा, तो हम लोगों को सरकार को कहना पड़ा कि भाई इस बारे में आप नीति बनाइए। अभी हमने जो यात्रा की है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि अभी हम उत्तराखंड में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, लोग हिमालय में आना चाहते हैं, लेकिन चार ही डेस्टिनेशन का हमने बड़ा प्रचार कर दिया है कि चार जगह पे जाएंगे तो चार धाम में ही सारी भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। तो हमने ये चाहा है, इसीलिए हम खुद अभी चमोली मंगलम करके आ रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्रों की यात्रा करके आ रहे हैं कि चार धाम के अतिरिक्त भी हमारे उत्तराखंड में ऐसे ऐसे दिव्य स्थान हैं, सिद्ध स्थान हैं, जहां जाने से आध्यात्मिक ऊर्जा भरपूर आपको प्राप्त हो सकती है। तो हम आने वाले दिनों में चाहेंगे कि ऐसे स्थानों को चिन्हित करके इनका कॉरिडोर बनाया जाए और लोगों को जो आ रहे हैं उनका स्वागत, लेकिन सब ऐसे फैल जाए पूरे उत्तराखंड में। तो
भीड़ का प्रबंधन अच्छा हो जाएगा और किसी को निराशा भी नहीं होगी। इस घटना की मुझे उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ होगी उन्होंने भी वो किया भाई, निंदा तो सबको करनी पड़ेगी, निंदा करने से नहीं होगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार अगर कड़ी कार्रवाई कर दें आयोजकों के ऊपर तो दूसरे आयोजक कांपने लगेंगे और इस तरह से लोगों की मौत जो है रुकेगी। लोकसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद पीएम मोदी का संबोधन हुआ। इस दौरान सदन में मोदी मोदी के नारे लगे। सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। राष्ट्रपति जी ने अहम विषय उठाए हैं, उन्होंने हम सबका और देश का मार्गदर्शन किया है, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। कल और आज कई सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार व्यक्त किए। विशेषकर पहली बार जो सांसद बनकर आए हैं उनमें से कई ने विचार व्यक्त किए। संसद के सभी नियमों का पालन करते हुए उनका व्यवहार ऐसा था जैसे एक अनुभवी सांसद का होता है, इसलिए प्रथम बार आने के बाद भी उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया। उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मूल्यवान बनाया। देश ने एक सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में हमें चुना है। आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय सभापति जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अहम विषय उठाए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सबका और देश का मार्गदर्शन किया है, इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, कल और आज कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं विशेष करके जो पहली बार सांसद बनकर के हमारे बीच आए हैं और उनमें से कुछ आदरणीय साथियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, संसद के सभी नियमों का पालन करते हुए किए, उनका व्यवहार ऐसा था जैसे एक अनुभवी सांसद का होता है और इसलिए प्रथम बार आने के बावजूद भी उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मूल्यवान बनाया है। आदरणीय सभापति जी, देश ने एक सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए
विश्व को दिखा दिया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में जनता ने हमें चुना है।